हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इन मैकबुक। आज की वीडियो में हम मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। आप किसी भी वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने मैकबुक में कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन करना है, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। आपने ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करने के बाद ऑफिस 365 को आपने यहाँ पर ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप फॉर मैकओएस का ऑप्शन नजर आएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं 2.3 GB की फाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो फाइल है वो तकरीबन डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि डाउनलोडिंग के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इसे इंस्टॉलेशन के लिए अपने मैकबुक में ओपन कर लेना है। ब्राउजर को आप यहां से क्लोज कर दें। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहां से कंटिन्यू करना है। अगेन यहां से कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद आप यहां पर एग्री करेंगे और इसके बाद यहां पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि यहां पर अपने मैकबुक का जो पासवर्ड है वो टाइप करना है, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर बटन पर क्लिक करना है। तो इसकी इंस्टॉलेशन जो होगी वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक का इंतजार करना है, इसके बाद ही यहाँ पर ये इंस्टॉल होगा। जैसे कि कुछ नोटिफिकेशन है, मैंने यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आपके तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा इस इंस्टॉलेशन में और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे मैकबुक में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं और लॉन्च पैड में जाकर चेक करता हूं। फाइल को आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं यहां पर लॉन्च पैड में जाकर आपको दिखाता हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहां पर देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तमाम ऐप्स जो हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। आपने ओके करना है। अगर यहां पर आपको अपडेट्स का ऑप्शन नजर आता है तो आप यहां पर अगर इनको अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको स्किप करता हूं और लॉन्च पैड में जाकर मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोई भी एक ऐप जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूँ। आपने यहाँ से इसे ओपन करना है तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे कि ब्लैंक शीट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या कोई भी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ईजिली हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मैकबुक में इंस्टॉल किया है। तो आप इस तरह से मैकबुक में मैकओएस के किसी भी वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।